हमारे पास 61 साल की माताजी आई थी चित्तौड़ से, और उनको तकलीफ़ थी कि उनका पेट में बहुत ज़्यादा फुलावट थी, उनको कब्जी रहती थी और उनको हल्का हल्का बुखार आता था काफ़ी दिनों से। जब हमने टेस्ट की रिपोर्ट देखी और उनकी जांच की तो हमने पाया कि पेट में एक बहुत बड़ी गांठ है जो कि लगभग पूरे पेट में फैली हुई है, लगभग 28 सेंटीमीटर की गांठ थी वो। फिर हमने माताजी को समझाया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समझाने के बाद वो तैयार हुई ऑपरेशन के लिए। आमतौर पे इस तरह के ऑपरेशन में बहुत ही दिक्कत आती है क्योंकि गांठ बहुत बड़ी होने की वजह से वो पेट के अलग अलग भागों में अलग अलग अंगों से चिपकी होती है। तो धीरे धीरे जब हमने ऑपरेशन किया तब धीरे धीरे जो नॉर्मल ऑर्गन्स थे उनको हम उस गांठ से सेपरेट करके अलग ले गए, स्प्लीन को, पेंक्रियाज को, बाकी सब आंतों को, इनको सबको हमने गांठ से अलग किया। फिर बाद में वो इतनी बड़ी गांठ को निकाला। जब ऑपरेशन करते हैं तो गांठ के वजन की वजह से वो और जो अंग हैं उन पे वजन डालती है, तो गांठ को पकड़ने के लिए दो जने वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने गांठ को पकड़ा, खींचा और उठाया, तब जाके हम गांठ के नीचे की सतह से ऑपरेशन कर पाए। तो इस तरह का ऑपरेशन आम तौर पे मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ हम कई बार कर चुके हैं इसलिए हमें थोड़ा अनुभव था। तो फाइनली गांठ पूरी की पूरी बाहर निकल गई और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और उनको हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। ये जो पेशेंट हैं इनमें इतनी बड़ी गांठ थी पेट में, लेकिन उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे पेट में ऐसी बड़ी गांठ है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि वो धीरे धीरे गांठ डेवलप हुई और धीरे धीरे बढ़ती गई, दूसरा गांठ सॉफ्ट थी इसलिए जब ऐसे हाथ लगाते हैं तो हार्डनेस फील नहीं हुई, तो सॉफ्ट में उनको लगा कि ये तो नॉर्मल ही मेरा मेरा पेट मोटा होता जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर साल बॉडी चेकअप कराएं, कम से कम चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो तो हम कराएं ही कराएं। महिलाओं को पैप स्मियर और मेमोग्राफी भी करानी चाहिए 40 साल की उम्र के बाद में। तो हर साल अगर हम बॉडी टेस्ट कराएंगे तो ये जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं जो शुरू हो रही हैं हमारे शरीर में उनका हमें पहले से ही पता चल जाएगा और सही समय पर उनका उपचार कर पाएंगे हम लोग।